Work until your idols become your rivals. Hello and welcome to Achievers Adda, the YouTube channel of SSC Adda and Bankers Adda. यहाँ पर हर बार की तरह इस बार भी हम फोकस करते हैं on that important trait that is motivation. यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं कई aspirants जिन्होंने successfully crack किया होता है different examinations. तो हमारे साथ मौजूद हैं रूपक रिवाड़ी जी जिन्होंने SBI PO crack किया था in 2015. यानी करीब दो साल से वहाँ पर वर्क कर रहे हैं. He is an SBI PO, an SBI officer. तो इनसे जानेंगे कि जो examination आने वाला है, जिसका प्री आने वाला है एक महीने के अंदर एंड फिर मेंस आएगा, उसे कैसे क्रैक करें. तो आप सब वेट कर रहे थे कि हम ऐसा कोई सीरीज पेश करें, तो आपके सामने ये स्वागत है फिर से. तो सर आपका स्वागत है इस शो में. थैंक यू. तो हमारा शुक्रिया. तो चलिए, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे एस्पायरेंट्स के लिए, वो ये है कि आपका फर्स्ट कमेंट्स, फर्स्ट क्या लाइन होगी टू ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग? आई वुड से नथिंग इज इम्पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि आप SBI PO क्रैक करेंगे, एंड अगर आप क्रैक कर सकते हैं तो कोई भी क्रैक कर सकता है. यहाँ पर एक सवाल जाना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले आपका बैकग्राउंड क्या है? आई डिड माई स्कूलिंग इन कॉमर्स टिल 12th एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम. इट्स कॉल्ड DU का एक है कॉलेज, इट्स कॉल्ड शहीद सुखदेव कॉलेज बिजनेस स्टडीज, दिल्ली में ही है. यस, ठीक है. तो BBS कोर्स था वो मैंने किया, स्टार्टेड इन 2010 एंड ग्रेजुएटेड इन 2013. 2010 से 13 तक आप कॉलेज में थे एंड आपने कोर्स किया BBS. प्लेसमेंट्स का कुछ वहाँ सिनारियो ऐसा था? प्लेसमेंट्स बहुत ब्राइट थी वहाँ पे. अच्छा. बट उसके बाद मेरे को लगा कि आई हैव टू डू समथिंग, ट्राई फॉर कैट एग्जाम. आई शुड ट्राई फॉर कैट एग्जाम बट देन इट डिडंट वर्क. ओके, इट्स ओके. एक सवाल यहाँ पर पूछते हैं हर अपने एपिसोड में कि वो यूरेका मोमेंट, that moment that changed your career, that moment that led to something worthwhile, जैसे कि SBI PO है, तो वो ऐसा moment कब आया? आपको कब लगा कि नहीं यार, मुझे अब serious होना पड़ेगा, मुझे अब exam crack करना पड़ेगा? जैसे कि कई लोग होते हैं, वो उनका जो sector होता है कुछ और होता है, पर उनका जो passion होता है, जो calling होता है, that is something else. तो वो एक moment कब आया? When I graduated, I did my BBS in finance. Fine, we take have to take it's mandatory for us to take a specialization in our third year. Fine. Okay, finance mine was finance. Fine. Mine was finance. Take we hai. Could have taken finance or marketing or HR. So I took finance. Uske baad, I wanted to do MBA in take finance, hai. But take it hai. Did not work out for some reasons. Haan. Uske baad, CAT ki tayari ki 2013 mein, college se graduate hote hi. Uske baad, 2014 mein bhi I started working a job एक स्टार्टअप में. हाँ. फिर started preparing for CAT side by side. हाँ. उस टाइम काम के साथ नहीं दे पाया CAT for some reason. नहीं दिया CAT. फिर सोचा दोबारा देंगे CAT 2015 में, दोबारा देंगे. हाँ. फिर लगा 14 में ही कि why not take other exams as well. There's SSC exam, there are bank PO exams and all other exams, government exams. उसके बाद I wrote IBPS exam. Okay, IPSPO. IBPSPO exam. And I failed miserably. The first attempt was without preparation. जो अभी तक आपकी कहानी वो ये है कि 2013 में आपने पास आउट किया है एंड फिर आपका, बहुत लोग सोचते हैं कैट निकालना, दे वॉन्ट टू बेल द कैट, वो किया वो नहीं निकला. फिर आपने स्टार्टअप में काम किया, वो भी नहीं चल रहा है अच्छा. एंड फिर आपने IPSPO दिया एंड उसमें भी आप बुरी तरीके से. उसमें तो बुरी तरीके से. तो रूपक को उस समय क्या सोच, उस समय रूपक क्या सोच रहा था कि मतलब ख़त्म अब की क्या कुछ और? उस समय एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिना प्रिपरेशन के एग्जाम दिया, बस जस्ट टू सी हाउ दैट एग्जाम्स टर्न्स आउट. अच्छा, मतलब ये क्लियर था कि पहले देख लेते हैं एग्जाम है क्या, एग्जाम क्या है. उसके बाद रीजनिंग में मेरा नहीं निकला, कट ऑफ सेक्शनल निकलता है सेंस. हाँ. और रीजनिंग की कोई तैयारी नहीं थी जी. कैट भी दिया था दो साल पहले और कैट की रीजनिंग और बैंक की रीजनिंग डिफरेंट है. LR आता है, लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ अलग चीज है. ठीक है. तो थोड़ा सा था कि रीजनिंग का कट ऑफ नहीं निकला, काफी बुरा लगा. बट देन आई थॉट कि Why not be persistent? ठीक है, दोबारा और एग्जाम्स हैं और SSBI का एग्जाम है, ये तीन चार एग्जाम्स और हैं. हाँ. तो why not try for those as well? हाँ, मतलब आपका ये था कि चलो ये नहीं निकला. हाँ जी. पर मेरे पास अभी मौके और हैं. और हैं. और अटेम्प्ट्स हैं और. हाँ. जब किसी की उम्र 22-23 साल की होती है तो घर वाले स्पेशली एक्सपेक्ट करते हैं कि ही शुड स्टार्ट अर्निंग, ही शुड अर्न हिज ओन ब्रेड. तो ऐसा क्या आपके घर में ऐसा कि एक थोड़ा फोर्स था या फिर नहीं था, वो क्या नहीं मेरा बेटा कर लेगा, ही वुड डू समथिंग? माई पेरेंट्स वर वेरी सपोर्टिव बट एक प्रेशर तो था. देखिए, वो दिखता था कभी कभी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक प्रेशर तो था कि जब कुछ घर पे बैठे रहो, कुछ मत करो, तो रात का पता नहीं लगता, दिन कब हो रही है वो भी पता नहीं लगता.
तो वो प्रेशर था, काफी प्रेशर, काफी था, काफी प्रेशर था। फिर खुद भी साइकोलॉजिकली बहुत बुरा लगता था कि पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं आपको, बट आपको तो लगता ही है बुरा तब लगता है जब पेरेंट्स कुछ ना बोले, कुछ ना बोले। अगर बोले तो हाँ चलो बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ जी, नहीं बोलते। टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली, आपकी फैमिली के बारे में बताना चाहें कुछ? या माय फैमिली, आई वी आर फोर सिबलिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल। माय पेरेंट्स आर बोथ रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट, नो, माय मदर वाज वर्किंग विद यूपीएससी, एज अ शी रिटायर्ड एज अ सेक्शन ऑफिसर इन यूपीएससी, एंड माय डैड वाज अ मिल्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर इन डीएमएस, डीएमएस हैदराबाद डिपो। फिर उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो था थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आया फाइनेंशियली भी, बट ठीक है वो भी हो गया, कोप हो गया। फिर उसके बाद मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी थी जी, फिर मेरी भी चीज़ें नहीं, इट डिड नॉट गो दैट वेल, बता रहे हैं भी आप। उसके बाद तैयारी स्टार्ट करी मैंने। तो मतलब 2015 में आपका आईपीएस पीओ नहीं निकला, 14 के एंड में एग्जाम होता नहीं निकला, एंड जहां तक मेरी जानकारी है जो एसबीआई पीओ दैट कम्स इन मार्च और अप्रैल में, अप्रैल उससे पहले भी आपको एक और चीज शेयर करना चाहूंगा मैं। उसके बाद आया था आईबीपीएस, खत्म हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद दिया एक एसबीआई एसोसिएट पीओ का एग्जाम, एसोसिएट जो कि मर्ज हो रहे हैं, अब मर्ज हो रहे हैं, अब हो जाएंगे मर्ज अप्रैल में, बट वो एग्जाम दिया, वो एग्जाम था, दैट वाज इन जनवरी 2015 जी, उसके बाद भी नहीं निकला। मतलब वो अच्छा परफॉर्मेंस में इंक्रीज इंप्रूवमेंट था कि परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट था, ये आपको आइडिया था कि आई एम इंप्रूविंग? देखिए व्हेन यू फेल यू स्टार्ट टू प्रिपेयर योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। ओके, एकदम से आप अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी स्ट्रेटजी में शायद करता प्रिपेयर, आई विल टेल यू अबाउट माय स्ट्रेटजी ऑल्सो, बट एक बार में आप नहीं, आप बहुत कम लोग होते हैं जो कि वन गो में निकाल लेते हैं। नहीं तो पीपल लर्न फ्रॉम देयर फेलियर्स ओनली, फेलियर्स आर द बेस्ट टीचर्स। हाँ मतलब बहुत रेयर देखा गया है कि किसी ने अटेम्प्ट किया एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, पर आपने कहा कि शायद फर्स्ट अटेम्प्ट था एसबीआई पीओ 2015, राइट, पर उससे पहले आपने कई और अटेम्प्ट दिए, दो पीओ एग्जाम्स दिए थे, एक क्लर्क का एग्जाम भी दिया था, उस पर हम आएंगे। पर एक सवाल यहाँ पर यह है कि आपने बीबीएस किया एंड आफ्टर दैट यू परसूड योर करियर इन स्टार्टअप, बैंकिंग है, एसएससी है, यूपीएससी है, इंश्योरेंस है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, देन वाई बैंकिंग? पहला ये सवाल। बैंकिंग बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो एक ड्रीम जॉब था वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना था। अच्छा, खैर वो तो अलग फील्ड है। पर्टिकुलर कोई मोमेंट जो आपको लगा कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ही मेरा करियर है या फिर? नॉट रियली, ऐसा कुछ पैशन बोल लो लेकिन आप ऑब्सेशन नहीं था किसी चीज से। ठीक है, ठीक है, नहीं तो एक कोई जिद नहीं थी कि वहीं जाना है। ठीक है, बैंकिंग में आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई फॉर बैंकिंग, उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा देन वी विल ट्राई फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, इन्वेस्टमेंट एक्सी सेक्टर में जाएंगे। अभी रिटेल बैंकिंग में है तो कोई नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी ट्राई करेंगे। एसबीआई का काफी है, हाँ जी, एसबीआई का तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का भी बहुत वो एक है जो कि जितने भी आपके क्लॉजेस, फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप का भी एक हुआ कॉन्ट्रैक्ट विद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, वहाँ पर भी इसका बहुत बड़ा रोल एक होता है। तो बहुत अच्छी जगह पर आप हैं जो मेरा एक मानना है, तो इट्स गुड थिंग, एज एन आई एनवी यू पर्सनली कि आप जिस जगह पर हैं। सवाल नॉट लाइक दैट, ओके, चलिए एक सवाल यहाँ पर मेरा आपसे ये है कि चलिए 15 आया, अब एसबीआई पीओ आ रहा है एंड आपने क्लियर क्रैक, आपने नहीं क्लियर किया है कुछ, तो अब क्या था चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी? चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी यही थी कि आई एम गुड एट इंग्लिश सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, उसके लिए मेरे को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उसके बाद जीके, आई वुड से कि जीके में बहुत सारी प्रिपरेशन के लिए आपको रेफरेंसेस मिल जाएंगे, इंटरनेट पे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, एंड द बेस्ट वुड बी एक बैंकिंग अड्डा, करियर पावर में बैंकर्स अड्डा का कैप्सूल जो है, जीके का कैप्सूल, जीके कैप्सूल, फुल कैप्सूल जो आता है, जो एक महीना पहले रिलीज होता है एग्जाम से, दैट इज इम्पेकेबल, और उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, नहीं है इन जनरल अवेयरनेस, नहीं आप, बिकॉज जनरल अवेयरनेस के लिए मार्केट में 50 बुक्स हैं कम से कम, आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते, यू हैव टू फोकस ऑन वन थिंग जी। तो अगर आप एक पीडीएफ में अगर आपको कंसाइज मटेरियल मिल रहा है 50 पेज का, उसको आप अगर स्पाइरल वाइंड करवा के पढ़िए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। गिव्स यू अ फील ऑफ अ बुक, या इट गिव्स यू अ फील ऑफ अ बुक दैट टू राइट थिंग एट द राइट प्लेस, ओके, सो यू डोंट हैव टू वंडर हियर, मतलब आपको कहीं इधर देखना नहीं है, सिर्फ यही पढ़ लेना, वही पे उसी भी चीज पे फोकस करना। चलिए जीए हो गया, जीए हो गया, इसलिए मेरे को अच्छा लगा, जीए आपका हो गया, जीए हो गया, जीए मैंने उसी टाइम। बाकी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग? मैथ्स में देखिए एसबीआई में क्या एक अच्छी चीज है, सिर्फ आपको डीआई पढ़ना है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पता है कि डीआई आनी है, बिकॉज और भी एग्जाम्स हैं, एसबीआई में बहुत कंसाइज सिलेबस है कि आप मैथ्स में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, प्री में ये, मेंस प्री में ये, प्री आप सिर्फ प्री के तो सिर्फ
बेसिक मतलब जानकारी हाँ तो निकाल लोगे प्री में बेसिकली आपको बस उसको क्वालिफाई करना है क्वालिफाइंग प्री इज क्वालिफाइंग सो यू डोंट हैव टू वरी यू हैव टू फोकस ऑन मेन एग्जाम मेंस के लिए अगर आप आपको पता है कि आपके जो भी आप अगर आप किसी कैटेगरी में हैं या किसी कुछ भी हैं जिस कैटेगरी से आपको अगर पता है लास्ट ईयर का आप देखिए कितना कट ऑफ था मैथ्स का अगर 10-11 कट ऑफ है और अगर आप 20 भी ला रहे हैं तो दैट्स मोर देन इनफ तो आपके अटेम्प्ट्स क्या थे आपको अभी आइडिया है कि याद है कि अटेम्प्ट्स कितने थे एग्जामिनेशन में मैं आपको बताता हूँ मेरे अगर 40 क्वेश्चंस थे आई थिंक पर सेक्शन आई गेस 40 क्वेश्चंस थे तो मैथ्स में मैंने नियर अबाउट 25 अटेम्प्ट्स करे होंगे विच इज वेरी लेस ठीक है 25 करे होंगे और मेंस का ये मेरा मेंस का 25 करे होंगे बिकॉज मैथ्स इज द मोस्ट टाइम टेकिंग सेक्शन ओके और उसमें 25 में आई स्कोर्ड आई थिंक 19 विच इज वेरी लेस अगेन स्टिल वेरी लेस अगेन उसके बाद रीजनिंग में आप देखिए कई टॉपिक्स हैं जो कि आपको नहीं करने चाहिए ठीक है बिकॉज दीज सेक्शंस आर वेरी टाइम टेकिंग एंड वेरी रिस्की दे शुड बी अटेम्प्टेड दे शुडंट बी अटेम्प्टेड दे शुड बी इग्नोर्ड आई गेस ओके इन पर्टिकुलर एनी सेक्शंस रीजनिंग में पजल्स अगर आपको देखो ईगो का कोई ईगो नहीं आनी चाहिए आपको अटेम्प्ट करते हुए तो पजल्स इन इज वन क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन विच हैज टू बी लेफ्ट ओके इफ यू आर नॉट गेटिंग इट इन द फर्स्ट 20-30 सेकंड्स यू हैव टू लीव देम दैट शुड बी द स्ट्रेटजी कि अगर 20-30 सेकंड में आया नहीं आया तो भैया आगे बढ़ो जी अब तो पजल्स का ये हो गया कि काफी ज्यादा पजल्स आती हैं मेरे टाइम पे सिर्फ यही होता था कि अगर आपकी 15 मार्क्स की पजल्स आ रही हैं तो यू कुड हैव लेफ्ट इट यू कुड लीव इट ये बाकी कर लो अच्छा एसबीआई समझ गए कि लोग लीव कर रहे हैं पजल्स तो पजल्स बहुत दे दो तो अब वो चेंज कर आप लगी रहे कि वो अब नहीं है अब हो गया अब हो गया अब पहले नहीं था ठीक है तो रीजनिंग में बेसिकली ये आपका स्ट्रेटजी था कि जो चीजें बहुत टाइम टेकिंग है उन्हें लीव कर दो जो फर्स्ट 20 सेकंड्स में आ रहा है उन्हें कर लो चलिए इंग्लिश में आप पैसेज में सिर्फ पैसेज मत पढ़िए सिर्फ और पूरा पेपर करिए इंग्लिश का पैसेज दो आते हैं पैसेज में अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पर पैसेज आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 5 क्वेश्चन आ रहे हैं पर पैसेज दो क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम एंटोनिम जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं तीन अगर आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं ना पजल इसमें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो क्योंकि पैसेज रीडिंग का पैसेज टेक्स इन्वॉल्व्स टाइम एग्जैक्टली ठीक है आप अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं उसको छोड़ भी रहे हैं तो दैट्स ओके मतलब कि सिनोनिम एंटोनिम्स करके आप वो पैसेज छोड़ सकते हैं फिर भी फॉर एग्जाम्पल अगर पैसेज पढ़ना ही है तो पैसेज के लिए आपने तैयारी की क्योंकि जाहिर सी बात है पैसेज के लिए तैयारी करी कैसे पैसेज के लिए तैयारी करी आपको उसके लिए रीड ही करना पड़ेगा कोई न्यूज़पेपर पर्टिकुलर हिंदू एडिटोरियल उसका तो बेस्ट है उसका अगर आप उसके लिए भी वो भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सैम्पल पैसेज पढ़िए किसी भी बुक से बुक उठा लीजिए बहुत सारी बुक्स है मार्केट में अवेलेबल कोई भी एक बुक उठाइए उसमें से पढ़िए करियर पावर की बुक्स हैं उससे आप हेल्प उससे हेल्प मिल सकती है इतनी सारे तरीके के पैसेज आते हैं इकोनॉमी में आता है फाइनेंस के ऊपर काफी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स के आते हैं कभी भी कोई स्टोरी नहीं आती आई एग्री अच्छा एक और सेक्शन है जो थोड़ा सा टिपिकल सा है एंड बहुत सस्पेंस वाला है पिछली बार हम लोग रिपोर्ट कर रहे थे एग्जामिनेशंस को कि क्या पैटर्न रहा तो हमने देखा कंप्यूटर्स 2016 में नहीं आया आपका एसबीआई एसोसिएट्स में नहीं आया पीओ में आया तो बहुत कम आया आपके टाइम में कंप्यूटर का क्या रोल था एंड कंप्यूटर्स को तैयारी कैसे करें क्योंकि आपने बीबीएस किया है आपने बीटेक किया नहीं ना तो फिर आपका कोई एक कंप्यूटर्स में आपका सर्टिफिकेशन है तो हाउ टू गो अबाउट कंप्यूटर्स के लिए आपको बेसिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी कंप्यूटर्स के लिए भी कैप्सूल है बैंकर्स अड्डा का जो कि आई थिंक 25 कंसाइज पेजेस हैं में हो जाता है कि हो जाता है वो आप करिए नहीं तो अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो भी कोई भी बुक ले लीजिए आप मार्केट में बहुत बुक्स हैं कंप्यूटर्स के ऊपर भी जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं एक टॉपिक के ऊपर कंप्यूटर्स का बहुत रोल रहता है मतलब आपको छोड़ना नहीं है जी नहीं, को भी किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ना आपने आपने क्वांट को भी अगर देखना है और रीजनिंग को भी करना है करिए आप सिस्टमैटिक तरीके से हो जाता है चलिए एक सवाल हमारे यहाँ पर यह है कि आपने तैयारी शुरू की होगी तो आपके साथ कई लोग रहे होंगे एज इन दे कुड बी पीपल हु मस्ट बी योर बैचमेट्स योर कलीग्स इट कुड बी फैमिली मेम्बर्स एज वेल सो उनमें से कोई कुछ ऐसे लोग जिन्होंने काफ़ी हेल्प किया या फिर यू हैव कि हाँ यार ये लोग थे तो मेरा ये सेक्शन हुआ यू कैन गिव क्रेडिट टू देम तो ऐसे कोई लोग आपके साथ रहे होंगे या मेरे दो फ्रेंड्स थे एक्चुअली मैं उन्होंने भी कोचिंग स्टार्ट करी थी तब उस टाइम पे बैक इन फेब्रुअरी 2013 थ्री पीपल वो दो लोग ने स्टार्ट करा फिर उन्होंने स्टार्ट किया फिर
I also initially started taking coaching classes, but नहीं मैं नहीं कर पाया, कंटिन्यू नहीं कर पाया उसे. फिर आई थॉट कि घर पे बैठ के पढ़ना ज़्यादा बेटर है. जी फिर उनके उनको भी बुलाता था मैं घर पे फ्रेंड्स को, काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाता है, सेल्फ स्टडी भी ग्रुप में हो जाती ग्रुप है, में मतलब हो जाती है. बेसिकली कंपनी मैटर्स, कंपनी मैटर्स. आप दूसरों को देखते हैं, आप साथ वाले को देखते हैं, वो पढ़ रहा है तो आपका भी थोड़ा सा जो आप बोर हो रहे होते हैं, आप फोन में लगे होते हो, तो वो सब चीज़ें नहीं रह आती. दो बहुत फेमस मूवीज़ हैं, शायद आप रिलेट करेंगे इस चीज़ से. एक थ्री इडियट्स, कि उसमें बुरा लगता है जब सामने वाला मेरा फ्रेंड टॉप करता है या फिर पास होता है, फेल होते हैं, तो वो एक फीलिंग आई होगी कि यार ये लोग क्लियर कर लेंगे, मैं भी क्लियर कर लेता हूँ. तो अच्छा, एक और मूवी है लक्ष्य, शायद आपने देखी होगी. उसमें दो फ्रेंड्स होते हैं, एक फ्रेंड कहता है कि यार सोच रहा हूँ मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ, तो ऋतिक रोशन कहता है हाँ सोच रहा हूँ मैं भी ज्वाइन कर लूँ, पर उसमें से जो आर्मी ज्वाइन करता है ही इज़ द लैटर ऋतिक. तो कहीं ना कहीं वो एक आपसे मोमेंट हुआ कि क्या उन लोग का सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ. हाँ, वन ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट थ्रू. हम तीन लोग थे, दो का हुआ, दो हम दोनों का हुआ. हाँ, और द थर्ड वन वॉज इन टू SSC अच्छा प्योरली. तो उसका उस टाइम पे SBI एंड ऑल एग्जाम्स में इतना नहीं था इंटरेस्ट, बैंकिंग एग्जाम्स में. सो ही वॉज इन टू SSC. हम दो लोगों का हुआ. दी अदर पर्सन गॉट सेलेक्टेड इन टू अहमदाबाद सर्कल एंड आई गॉट सेलेक्टेड इन दिल्ली सर्कल. मतलब दोनों लोग का सिलेक्शन हो गया. तो फाइनली कंपनी मैटर्स, इट मैटर्स अ लॉट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब फेलियर्स आप झेल रहे हो, तो साथ में जो फेलियर झेलने का दोस्त होता है उससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं. क्योंकि मेरा पर्सनल मानना है कि जब आप स्ट्रगल करते हैं एंड जब आपको लगता है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, तो बगल में झाँकते हैं, देखता है यार इसका भी तो कुछ नहीं हुआ, तो मतलब ये एक फीलिंग होती है. और जब सेक्शन होता है तो शायद आपको भी उतनी खुशी हुई हो जितने की उसको हुई होगी आपको लेकर. चलिए, ये तो चल क्लियर हो गया, आपने बताया कि इट मैटर्स अ लॉट. तो यहाँ एक सवाल और आता है कि जब आपको सिलेक्शन हुआ, तो अगर आप अभी बयां कर पाएँ कि वो फीलिंग क्या थी, कि व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर फीलिंग. आई नो दैट वुड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स इन योर लाइफ, कि यू क्रैक समथिंग एंड यू बिकेम समथिंग इन योर लाइफ. सो अगर कुछ बता पाएँ कि वो दिन कैसा था. यूफोरिया. यूफोरिया ना, दैट्स द ओनली वर्ड दैट इज कमिंग टू माई माइंड. काफ़ी सही था जब रिजल्ट आया. आई स्टिल रिमेंबर द डेट व्हेन माय रिजल्ट केम. इट वाज ऑन 16th ऑफ अक्टूबर 2015. यू रिमेंबर द डेट एज वेल? आई रिमेंबर द डेट एज वेल, आई रिमेंबर द टाइम एज वेल. इट वाज अराउंड 8 PM. ओके, तब रिजल्ट आया एंड आई कॉल्ड माय फ्रेंड. तब मेरे को मेरा सिलेक्शन हो गया था, मेरे को वो पता था. एंड आई वाज वेरी नर्वस व्हेन आई कॉल्ड माय फ्रेंड, मतलब अगर मेरे को नहीं होगा तो मुझे एक्टिंग करना पड़ेगा. ठीक है यार, होता है. एंड देन मुझे मेरा पता था मेरा हो गया, तो आई थॉट उसको बुरा लगेगा कि मैं अपना बताने के लिए उसे कॉल कर रहा हूं. एंड आई डिड नॉट नो हिज रिजल्ट, अबाउट हिज रिजल्ट. सो आई वाज लाइक आशीष रिजल्ट आया, तो उसने मुझे बताया अपना रोल नंबर. एंड आई वाज लाइक तेरा भी हो गया भाई. एंड वो एक मोमेंट था कि हम दोनों फोन पे बस उछल रहे थे किसी ना किसी तरह कि सिलेक्शन हो गया. बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब ऐसा जनरली सुनते हैं हम कि दोस्ती सुनते हैं, एंड ऐसा बहुत अच्छा मोमेंट है. एंड मुझे याद आएगा जो आपने अभी डिस्कस किया कि दोनों लोग का हो गया सिलेक्शन एंड बहुत सेटल्ड है. चलिए एक और सवाल लेते हैं यहाँ पर. सवाल यहाँ लेते हैं, कमिंग बैक टू आर फोकस, दैट इज़ दी SBI PU एंड द अदर एग्जामिनेशंस. अभी SBI PU होने वाला है, प्री है एंड फिर आपका मेन्स है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिम्स की अगर स्ट्रैटेजी आप बता पाएँ, कि क्योंकि शायद 14 में प्रिलिम्स मेन्स नहीं था, फिर 16 से स्टार्ट हुआ है, तो प्रिलिम्स अगर होता तो वॉट वुड हैव बीन योर स्ट्रैटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि एग्जाम टफ आया था पिछले साल का. प्रिलिम्स के लिए तो मैं आपको एस्पिरेंट्स को यही बोलूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डू चेक द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ. ठीक है, उस कट ऑफ पे आप देखिए, उस पर फोकस करिए, आपका स्ट्रेंथ कौन सा है, स्ट्रेंथ को आप और उसे कंसोलिडेट करिए और उस तरीके से पढ़िए. वीकनेस पे आप वर्क करिए, लेकिन ईगो पे मत लीजिए कोई भी चीज़. अगर आपको रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, तो अब तो उनको ठीक करने का टाइम नहीं है इतना. उन पे इम्प्रूव करने का, इम्प्रूवमेंट नीड्स टाइम. जी, आपको बस टाइम चाहिए उस चीज़ के लिए. टाइम नहीं है तो डोंट टेक एनीथिंग ऑन ईगो. अच्छी टॉपिक्स को आप और कंसोलिडेट करिए, मैथ्स देखिए, रीजनिंग देखिए, और तीसरा इंग्लिश भी देखिए. इंग्लिश में अच्छे अटेम्प्ट्स करिए, इंग्लिश काफ़ी आसान आती है कंपैरेटिवली टू मैथ्स एंड रीजनिंग. कंपैरेटिवली टू मैथ्स एंड रीजनिंग. अच्छा, एक और यहाँ पर है कि प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच जो एक डिफरेंस है वो करीब एक या डेढ़ हफ्ते का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो क्या पहले से आप रेडी थे चीए को लेकर, कंप्यूटर्स को लेकर, कि आपने बाद में जब प्री आपका हो गया तब आपने शुरू किया? नहीं, पहले से रेडी. पहले से आपको तैयारी करनी पड़ेगी. एस्पिरेंट्स को पहले से तैयारी करनी पड़ेगी. नहीं तो कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने, मतलब बेसिकली वो टाइम कैसे आपने एक दिन, अगर क्योंकि देखो आप जाहिर सी बात है आप यू आर नॉट एम्प्लॉयड एट दैट टाइम, नो आपने जॉब छोड़ दी थी, तो वो 24 घंटा कैसे बीता? लोग कहते हैं कि विनर्स आल्सो हैव 24 आवर्स एंड लूजर्स आल्सो हैव 24 आवर्स. सो हाउ डिड द विनर इन यू यूज दोस 24 आवर्स? बिकॉज पहले तो आप लूजर थे, 24 घंटा कुछ नहीं करते थे, तो अब वो विनर वाला एटीट्यूड कैसे आया रूपक के अंदर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम मैनेज तो करना पड़ेगा. एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, कैसे आप पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आप कैसे तैयारी करने वाले हैं, हाउ टू गो अबाउट इट. तो दिन में आप अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं, आई यूज टू स्टडी विद माई फ्रेंड्स. तो जीए तो सेल्फ
ग्रुप में नहीं पढ़ सकते आप, मैथ्स और रीजनिंग पढ़ सकते हैं ग्रुप में, लेकिन जीए और इंग्लिश नहीं पढ़ सकते आप. ठीक है, तो जीए के लिए आप टाइम दीजिए रात का, रात के लेट नाइट पढ़िए या अर्ली मॉर्निंग पढ़िए, या यू नो आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ जीए की, जीए आप रात को पढ़िए और सुबह उठ के उसे अगले दिन जरूर रिवाइज करिए, नहीं तो आपके दिमाग से निकल जाएगा. ये तो शॉर्ट शॉर्ट एक स्ट्रैटेजी है जीए के लिए, जिसका इंटरेस्ट ना उसको बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा. न्यूमोनिक्स एक तरीका है जिससे आप पढ़िए. क्या होता है न्यूमोनिक्स में, आप किसी भी और चीज से एसोसिएट कर लीजिए जीके में, किसी भी एक कोई भी वर्ड से एसोसिएट कर लीजिए किसी प्लेस को, या फिर आपको मैं कोई एग्जांपल, हाँ अगर देना चाहें आपको मैं एग्जांपल अगर अभी याद हो तो, क्योंकि मतलब हम लोग जब तैयारी करते हैं या हम लोग जब बताते हैं तो हम लोग भी कहते हैं कि रिलेट करो. हाँ जी, बिना रिलेट करके आप कोई तैयारी कर नहीं सकते. तो ऐसा कोई एग्जांपल आपको अगर याद आ रहा हो जो आपने याद किया हो. मैंने एक्चुअली मैं एक एग्जांपल याद आ रहा है, बट वो दैट इज नॉट रिलेटेड टू निमोनिक्स एक्चुअली. स्टिल एनी एग्जांपल, या इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. वो बहुत कॉमन थिंग चीज है. एक क्वेश्चन है कि आपको 7 लार्जेस्ट कंट्रीज के नाम अगर आप बताइए पूरे वर्ल्ड में. कैसे बताएंगे आप बताइए 7 लार्जेस्ट कंट्रीज के नाम. लार्जेस्ट कंट्रीज याद है, 3-4 तो आप बता देंगे. होगा ब्राजील होगा, चाइना. ऑर्डर में बताइए आप. Order, as in, Russia बता देंगे. हाँ, Russia would be number one. Number one. Then they would be, I guess, China. Yeah. And then I guess they would be USA. And then they would be Brazil, if I'm correct. No. Till three I'm correct. चलो. मेरे को चलो, मैंने एक word से relate किया वैसे, रकुकबाई. मेरा अपना रकुकबाई. रकुकबाई. हाँ. अच्छा. तो ये मेरा personal observation है, तो मेरे को अगर उससे ज़्यादा. ये नाम क्यों? रकुकबाई क्यों? ऐसे ही. वो learn हो गया मेरे को, ऐसे ही मेरे दिमाग में fit हो गया, तो इसलिए अब वो चीज़ अगर मैं रिलेट करूँगा तो आर से रशिया, सी से चाइना, यू से यूएसए, 4 पे कनाडा, बी से ब्राज़ील, ए से अर्जेंटीना, फिर इंडिया. इंडिया तो वो सेवन लार्जेस्ट है. हाँ, या सेवन लार्जेस्ट इंडिया हो गया. तो ये एक मेरा तरीका है. ये तरीका मेरा भी है. जैसे अगर मुझे याद करनी है बैंक के हेडक्वार्टर्स, हाँ जी, तो पंजाब की लड़कियाँ दिल्ली में कॉमर्स पढ़ने आती हैं. मतलब हम लोग की पंजाब एंड सिंध बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक. हाँ, लड़कियाँ मतलब फीमेल मतलब भारतीय महिला बैंक, बीएमबीबी, महिला मतलब भारतीय महिला बैंक लड़कियाँ. ठीक है, कॉमर्स पढ़ने आती है, मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स. कहाँ पढ़ने आती? दिल्ली पढ़ने आती है. पंजाब की लड़कियाँ दिल्ली में कॉमर्स पढ़ने आती हैं. तो एवरी बैंक दैट इज इन द एनसीआर रीजन, एवरी पब्लिक सेक्टर बैंक वुड बी विद पंजाब, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, भारतीय महिला बैंक, ये सारे बैंक आपके हो गए. तो हाँ, दैट आई एग्री. उसके और भी एग्जांपल्स हैं, बट ऐसे आई कैन नॉट रिकॉल एट दैट. आई एग्री. हाँ, मतलब कहीं ना कहीं एक देखिए, ये तब आएगा जब आपको इंटरेस्ट होगा. इंटरेस्ट अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऐसे एग्जांपल्स को याद नहीं कर पाएंगे. इज द बेस्ट वे टू स्टडी जीए. जी है, चलिए. नहीं तो आपको जीए याद करना बहुत, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. जी जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो आपने जीए बता दिया, अब मैथ्स की बात करते हैं, डीआई की बात करते हैं. आपने फाइनेंस किया है तो जरूरी नहीं कि डीआई में आप बहुत अच्छे रहे होंगे. तो हाउ टू मास्टर डीआई, हाउ टू बिकम अ जीरो, हाउ टू बिकम अ हीरो फ्रॉम जीरो इन डीआई. डीआई के लिए इट्स माय स्ट्रेटजी कि पहले तो आप लास्ट ईयर के पेपर्स देखिए, 3-4 साल पहले के, तो आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है. जैसे पाई चार्ट है, वो अगर आया हुआ है चारों एग्जाम में तो यू टू प्रिपेयर फॉर पाई चार्ट. वो मस्ट है, वो आएगा ही आएगा. अगर कोई लाइन ग्राफ आ रहा है या कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसको जो कि रिपीट होता है, तो वो आपको देखना ही पड़ेगा. रिपीट क्वेश्चंस होते हैं एसबीआईपीओ में? होते हैं, पर टाइप्स रिपीट होते हैं. टाइप्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चन जरूरी नहीं है सेम हो, फिगर्स भी सेम हो, लेकिन रिपीट तो होते हैं. थोड़ा डिग्रेस करते हैं टॉपिक से. एक यहाँ पर एक अभी 8 नवंबर 2016, वो तारीख बहुत ही ऐतिहासिक तारीख है हम लोग की ज़िंदगी में, रहेगी, आप भी मानते हैं, एंड बैंकर की ज़िंदगी में बहुत ही ऐतिहासिक वो तारीख है, क्योंकि उस तारीख को कुछ ऐसा हुआ जो शायद आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा इससे पहले, या फिर अपनी जो आपका लिमिटेड एक बैंकिंग करियर है उसमें देखा होगा. सो डिड इट शुक यू एज इन द डिमोटाइजेशन, और वॉज इट अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि नहीं यार, ये कुछ हमारे प्राइम मिनिस्टर हम पे जिम्मा सौंपा है टू एक्चुअली डू समथिंग वर्थ वाइल आफ्टर एज बियॉन्ड द नॉर्मल बैंकिंग. I recall that day, रात में 8 बजे आया, and I was back home from somewhere. I got back home. You were. I was not at home. Okay. So I watched the news, and next day छुट्टी था banking की, public dealing off था, and 9th को I was so relieved कि कुछ काम नहीं है, public dealing नहीं है, and we were preparing the strategy for the next day. और मेरे को कोई idea नहीं था कि 10th से क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कितना मतलब कितना intake होगा bank का, कितने लोग आने वाले हैं. बस वो तो आपने कॉल किया अपने मैनेजर को या फिर अपने सीनियर को कि सर क्या करना है, कैसे करना है? नहीं, माय मैनेजर टुक अ मीटिंग, ओके, अरेंज्ड अ मीटिंग ऑन फ्राइडे.
हमारा मीटिंग हुआ, हमने पूरा डिसाइड किया कि कैसे होने वाला है और बहुत वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो वी बेसिकली वी ऑर्गेनाइज अ मीटिंग टू प्रिपेयर फॉर आवरसेल्व्स फॉर इट. उसके बाद प्रिपेयर, आपको क्या रोल दिया गया उसमें बेसिकली? मेरा रोल था बेसिकली शुरू में कैश एक्सचेंज पे. Okay. सबको, काफी लोगों को कैश एक्सचेंज पे, क्योंकि कैश एक्सचेंज, ये नहीं था कि कोई क्रेडिट कार्ड का है या फिर कोई पीओ कार्ड का, कुछ ऐसा नहीं था. सबको कैश एक्सचेंज पे बैठना है. मोस्टली लोगों को कैश एक्सचेंज का काम दिया गया था. अच्छा. क्योंकि उस टाइम जब जितनी अगर ब्रांच में इफ 500 पीपल आर कमिंग एंड ओनली 10 पीपल आर एम्प्लॉयड इन द ब्रांच, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर 10 पीपल टू अरेंज फॉर 500 पीपल. ऐसा नहीं कि आप पीओ कार्ड से आए हैं या फिर आप मैजिक कार्ड के हो तो आप बैठोगे, नहीं आपको ऐसा नहीं है. तो चलिए एंड में एक सवाल पूछेंगे कि एनी सॉर्ट ऑफ आप क्रेडिट किसको देना चाहते हैं, कि इंस्टेंस क्या, कि आपको किन लोगों ने हेल्प किया या किस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ने आपको हेल्प किया काफ़ी, और वो लास्ट लाइंस क्या होंगे हमारे एस्पायरेंट्स के लिए? मेरे जब एंट्रेंस एग्जाम में अगर इतना स्कोर नहीं था अच्छा, सो आई थॉट मैं इस बार इंटरव्यू में तो आई विल क्रैक इट द इंटरव्यू. सो आई टुक द कोचिंग एट द GTB नगर वाला सेंटर ऑफ करियर पावर. रविकांत सोनी सर थे वहाँ पे, अभी भी मैं टच में हूँ उनसे. ठीक है. तो उन्होंने मेरे को प्रिपेयर किया. इज अ गुड क्रिटिक एक्चुअली, मैं वो बहुत स्ट्रिक्ट है. अच्छा. सो वेरी क्रिटिकल ऑफ पीपल. फिर उन्होंने मच लाइक द कोच ऑफ रॉकी. या अकॉर्डिंगली. फिर जब मैं गया GD इंटरव्यू में, GD इंटरव्यू वॉज गुड. उन्होंने पूछा भी सही कैसा हुआ और मेरे को कह रहे थे कि चलो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा. एंड वो उन्होंने ये चीज़ बोली एंड आई वॉज स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट. एंड था कि उसने बोला कि हो जाएगा. हो जाएगा, उन्होंने बोला चलो आपका हो जाएगा. एंड यू नो वॉट, 50 मार्क्स का होता है GD इंटरव्यू, जिसमें 30 इंटरव्यू एंड 20 GD. आई स्कोर 28 ऑन 30 इन द इंटरव्यू. आई स्कोर 18 ऑन 20 इन द GD. So very, very good 46 score. On That's a very good 50. So, मतलब they were very impressed. They were very impressed. उनको क्रेडिट दूंगा एक सर को, करियर पावर की बहुत हेल्प थी. फिर जब आपका इंटरव्यू आने वाला होता है तो बैंकर्स अड्डा पे पूरा आप कैसे और लोगों का फिर टिप्स होते हैं इंटरव्यू के. देयर्स अ ऐप कॉल्ड 247, उस पे बहुत हेल्प मिलती है. एग्जैक्टली, वीडियो लेक्चर्स आर ग्रेट. वीडियो लेक्चर्स आप दो बार देख सकते हैं, तीन बार देख सकते हैं, चार बार देख सकते हैं. एक बार में कोई चीज आप रिमेम्बर नहीं कर सकते अगर आप लाइव लेक्चर सुन रहे हैं कोई किसी टीचर से क्लासरूम में बैठे हुए. सो आई बिलीव वीडियो लेक्चर्स आर वे अहेड ऑफ क्लासरूम लेक्चर्स. ओके, आई थिंक दे आर आल्सो गुड. They're also good. Okay. तो अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड आता है, आपको कलीग आता है, कोई जूनियर आता है या कोई ऐसे कोई रैंडम व्यक्ति आता है, पूछता है कि रूपक सर बताओ कि कैसे क्रैक करें SBI, तो वो लास्ट लाइन क्या होगी उसको, एक गाइडेंस के लिए आप क्या बोलोगे? टू ऑल दी एस्पिरेंट्स आई वुड से देयर इज अ प्रोवर्ब, सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल. तो फॉरगेट व्हाट रॉन्ग यू डिड इन द पास्ट, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. यस. कोई ईगो मत रखिए एग्जाम करते हुए, एग्जाम देते हुए. खूब सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए. बैंकर्स अड्डा की टेस्ट सीरीज इज बहुत वंडरफुल, वो ज्वाइन करिए. कोई और टेस्ट सीरीज ले लीजिए अगर आपको लगता है कि इफ इट्स नॉट सफिशिएंट. तैयारी करते रहिए और बस लगे रहिए. तो ये थे रूपक रिवाड़ी जो बता रहे थे कैसे उन्होंने क्रैक किया SBI PO और कैसे क्रैक करें आने वाले SBI PO को, साथ साथ डिफरेंट एग्जामिनेशंस को. उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये शो पसंद आ रहा होगा और हम हर हफ्ते सैटरडे को आपसे मिलेंगे एट 10:30 AM इन द मॉर्निंग विद दिस. दिस इज अचीवर्स अड्डा एंड आई एम कुश पांडे एंड ही इज रूपक रिवाड़ी. थैंक यू सो मच.